ओ भाई, सो गाइस, हर नया साल आता है और नए साल के साथ बिग बॉस भी आता है। तो वापस बिग बॉस आ गया अपना ओटीटी लेके। एंड कुछ ना कुछ पंगे तो भिड़ने भिड़ने, राइट? और भिड़े भी है, और कभी हो गया कभी वो हो गया, एंड हॉट टॉपिक एंड ट्रेंडिंग पे तो रहता ही रहता है, राइट? एंड वन मोर थिंग, हमारे फुकरा भाई घर के अंदर है, जो कि अगर मुझे देखना भी पड़ा ना बिग बॉस ऐसे ही, तो मैं देख सकता हूँ भाई, बिकॉज फुकरा भाई, यू नो, मैं तो उनका सब्सक्राइबर भी, उनके वीडियोस देखता हूँ, सो या आई कैन सी। एंड ये तो चलो ठीक था कि लाइक मैं शौक था कि लाइक फुकरा भाई बिग बॉस के घर के अंदर जा रहे हैं, वहाँ मुझे अपडेट मिलते रहते हैं, यू नो, मम्मी के चैनल से उनकी। बट आई वॉज शॉक वेन आई नो गेट टू नो दैट पुनीत भाई भी, हमारे लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार, वो भी बिग बॉस के घर के अंदर है। एंड ये क्या है, मतलब आप पूरा 24 घंटे भी नहीं हुए और पहले ही घर से बाहर, और वो जितने भी देर घर में थे पूरा हिला दिया घर को, पूरा इंटरनेट को हिला दिया, लाइक क्या कर दिया भाई। भाई वो थोड़े टाइम और रहते हैं ना, पक्का है, पक्का मेरे हिसाब से तो है तो फुकरा भाई या पुनीत भाई, दो में से एक ही जीतता, आई एम श्योर अबाउट डैट। तो उसी रिगार्डिंग हम देखेंगे आज कुछ मीम देखने वाले, कुछ क्लिप्स देखने वाले, सो लेट्स प्ले, देखते। ओके सो प्ले फर्स्ट क्लिप। जबान कभी कभार बहुत जल्दी हो जाती है, वो मुझे पसंद है। लोगों को परखने की इनकी जो इनका जो नजरिया है उसमें भी थोड़ी गंदगी है। अपने स्टारडम और अपनी शोहरत को हैंडल करने का जो तरीका है उसमें भी थोड़ा अडल्ट्रेशन और गंदा आ चुका है। और लोगों को समझने के लिए जो मैच्योरिटी चाहिए उसमें भी मिलावट और गंद फैल गई है। अभी इन्होंने तुम्हारा जो इमेज है उसको शेक करके रख दिया है अपने नजरिए से। नहीं सर, वो नजरिया सिर्फ इसी का ही है। और और बाकी जो गंद की बात कर रही है, इस शीशा देखेगी तो पता चल जाएगा कौन। फुकरा भाई फुल एकदम सेवेज में, एकदम फॉर्म में चल रहा है, मतलब देखा है मैंने और भी थोड़े बहुत रील्स वीडियो देखे हैं मैंने, फुल एकदम सेवेज रिप्लाई, एकदम फॉर्म में भाई। ओके लेट्स प्ले नेक्स्ट। उसने पहले बोला हैसियत, इनकी हैसियत नहीं मतलब खड़ोने की, फिर मैंने बोलता हैसियत इतनी कि चार चिल्लड़ भी निकालूंगा तो तेरे को खरीद लूंगा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, लाइक हमने जितना फुकरा भाई को देखा है ना, उनके ब्लॉग्स हो गए, वीडियोस हो गए, हमको उतना नहीं पता था जितना यहाँ पे घर के आने के बाद उनका पता चल रहा है। लाइक जो रिप्लाई वो दे रहे हैं, जो गुस्सा गुस्सा तो हमने कभी देखा ही नहीं, गुस्सा भी देखने मिल गया। लाइक क्या बंदा है यार ये, सीरियसली अब पता नहीं, वो बोल रहे हैं 24 घंटे तो बैठ के देख नहीं सकते बिग बॉस का ओटीटी, क्योंकि ये पता नहीं नया ही, 24 घंटे मतलब 24 आवर्स चालू रहता है, देखो जब देखना है देखो, जब जाना जाओ, अपन कोई तो सोते हफ्ते कुछ भी करते हो देख रहे। बट इट्स बेटर कि लाइक उसमें से जो जो क्लिप बना लेते हैं ना कोई, वो देख के शांति से बैठ के देखो, दैट्स बेटर। सो लड़ाई की बात की थी और लड़ाई आ गई। तू क्या बोलेगी? अबे जहाँ खड़ा हूँ ना 36 पुश्ते लग जाएगी तेरे को पहुँचने में। दैट्स व्हाई मुझे ना ज्यादा बिग बॉस देखना पसंद नहीं, क्योंकि पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है, मैं ना ऐसी चीज़ें देखता हूँ ना फिर मुझे गुस्सा आने लग जाता है, जैसे ये मैडम जो भी थी, हाँ मैं नहीं जानता, मेरे को फिर गुस्सा आना चालू कर देता है, फिर बोलते ना अभी वीडियो में भी ऐसी चीज़ें देखूँगा तो फिर मेरे मुँह से ऐसी चीज़ें निकल जाएगी, तो कॉपीराइट के साथ स्ट्राइक भी पड़ना और वीडियो डिलीट होने की फुल संभावना रहेगी। इसलिए मैं ना बिग बॉस देखता हूँ और ना ज़्यादा कर ये देखता हूँ, देखा थोड़ा सा समझा और ख़त्म कर दिया। एंड भाई फुकरा भाई को तो क्या है बोले, एकदम आपको बोला ये सेवे जो फॉर्म में चल रहे। ओके लेट्स प्ले द नेक्स्ट। आज थोड़ा रैप भी सुनते फुकरा भाई का, गाना इतना सैड गाओ कि चार लोगों को अपने दर्द को भुलाने का मौका ना मिले। हमारे हालात सुलझा लेंगे आपस में करके हम बात, भूल गई या बातें वो याद, सब कुछ नहीं कर सकते फिर से क्या ठीक, रब से मांगू मैं तेरी ही भीख, चादा बस इतना तू रहे नजदीक, पर दूर करे तुझसे मेरा नसीब। बातें आज की नहीं, हो गए 6 साल पूरे, जो अब करती ना प्यार क्यों अब साथ चले। टैलेंट तो फुल है बंदे में भाई, बैठे बैठे रैप बना दिया।
आई सीरियसली मुझे पसंद है फुकरा भाई के जो गाने आते हैं ना मंडल रिकॉर्ड्स पे, मतलब सो फुकरा भाई का लास्ट क्लिप देखते हैं देन पुनीत भाई का देखते हैं ओके। ये जो हवा भरी हुई है ना इसको थोड़ा कम कीजिए, हवा थोड़ी ज्यादा भरी हुई है बिल्कुल उसको सर, थोड़ा सा कम कीजिए बिल्कुल सर बिल्कुल, ये एक्साइटमेंट है वैसे हवन, अगर खुद नहीं करूंगा तो किसी से करवा लूंगा मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला, मैं कहीं नहीं बस पहले से क्लियर कर मैं तो बोला ही नहीं करने के लिए। खूब तो लड़की की गिनती में लेते हैं अभी तक तो लिया था पर अब जब बोलना शुरू करा तो मैं हटा दिया। दो यहाँ पे मैं दो चीज बात करूंगा, पहला ये देखो फुल रिस्पेक्ट है ठीक है अंकल जी बूढ़ू बुढ़ाओ मतलब जो भी है जो भी है मैं नहीं जानता, देखो अगर तुम्हें नहीं पता ना तो मत बोलो। पहली बात तो ये सेड कि हवा भरी हुई है, हवा मतलब ये वाली हवा देख के बोलो तो मैं बता दूँ भाई जिम जाता है और थोड़ी बल्की टाइप बॉडी है ठीक है। एंड सेकेंड कुछ भी हवा भरी हुई है कहाँ देखा कुछ बीच में बोलिए तो हवा भरी हुई है माँ पसंद नहीं बोलना। और सेकेंड ये सनी लियोन है नहीं नहीं और जो पैनल पे लोग बैठे हैं ना एमसी सनी और भी बाकी क्यों और बिठा दिया तो यहाँ पे पहले रैंकिंग नंबर वन पे थे एज यूजुअल एंड आफ्टर नीचे गिरा दिया हुआ मतलब क्यों और ऐसे लोगों को बुलाए क्यों है? क्या है? ये सब जानते हैं बिग बॉस का क्या सिस्टम है क्या नहीं मतलब क्यों बुलाया है? मैंने हाँ मैंने देखा ही नहीं मैंने कुछ देखा ही नहीं क्योंकि ऐसा ऐसा सेड मुझे फालतू में अपना पारा भारी नहीं करना मुझे फालतू में मूड खराब नहीं करना इसलिए। और ये एमसी और ये सब सिंगर ये सिंगर का क्या काम है यहाँ पर चलो ठीक है जाने दो हाँ मतलब वही थोड़ा सा शो को यू नो वो वाला सीन। अब पुनीत भाई आप ऐसी बात करते हो? हाँ जी सर मैं ऐसी बात करता हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड कोई है? नहीं सर गर्लफ्रेंड ऐसी बात कर रही है तो कभी नहीं बनेगी सर मुझे जरूरी नहीं है। नहीं नहीं सर सलमान भाई पार्ट पढ़ा रहे हैं लड़की चाहिए तो अपना थोड़ा बहुत सुधार करना पड़ेगा पर चाहिए नहीं क्यों चाहिए फालतू में पड़े पुनीत बिग बॉस मुख्य द्वार से होते हुए आप घर से बाहर आ जाए साले बिग बॉस के बिगमंगो तुम्हारी औकात भी नहीं है पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस में लाने की ओ साले दो कोड़ी के आदमी हो दिल्ली में रहकर ना तुम जैसे आदमी अपनी जेब में लेकर कुर्ता पुनीत सुपरस्टार अपनी जेब में लेकर पुनीत सुपरस्टार आग लगा देगा कुत्ता बना देगा तुम लोगों का। नहीं तो आज मैं जनता को ये अपील करूंगा कि बिग बॉस ओटीटी कोई ना देखे भाई क्योंकि अगर तुमने पुनीत सुपरस्टार के साथ नाइंसाफी करी ना तो कोई भी तुम्हारा ओटीटी नहीं देखेगा। एक एक हिंदुस्तान के एक एक कोने तक मेरी आवाज जाएगी एक एक इतिहास के पन्नों में मेरे डायलॉग लेके जाएंगे एक एक रिक्शे वाला रेडी वाला ठेली वाला दुकानदार काम धंधे वाला बिजनेस वाला ये वाला वो वाला यहाँ वहाँ हर जगह पुनीत सुपरस्टार का चर्चा होगा। ये देखिए तो दोस्तों आज क्यों मतलब ठीक है एंटरटेनमेंट के पर्पज से मतलब जो बंदा है एक्चुअल में वो ही दिखाया है मतलब पुनीत भाई ने बट मतलब जरूरी है बिग बॉस के घर में एक नमूना एक ऐसा कैरेक्टर आना जिस जो ऐसी हरकतें करे एंड लेस देन 24 आवर्स यस लेस देन 24 आवर्स से पहले घर से बाहर क्या किया मतलब कुछ भी चलता है मैं कुछ भी चलता है बिग बॉस के घर में एंड ओके सो देखो ऐसा नहीं और भी मेरे पास क्लिप है यस आई हैव बट अभी के लिए मैंने इतना रखा है भाई बिकॉज अगर मुझे लगा कि यह पार्ट टू बनाना चाहिए अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो आई विल मेक इट नहीं तो भी बना दूंगा मैं ठीक है ओके सो देखो मैं क्या बोलूँ बिग बॉस के बारे में सही बता रहा हूँ मैंने सिर्फ 3 सीजन बैठ के अच्छे से देखा है बहुत अच्छे से देखा है। एक तो हमारा गौतम गुलाटी वाला जो कि भाई एक तरफा था सेकंड मनु मनवीर वाला जो दोस्ती के ऊपर मतलब
ट्रायो था वैसे, बट मनु मनवी, फिर आसिम और सिद्धार्थ। आसिम भाई फर्स्ट रनर अप रह गए, सिद्धार्थ अब यू नो, आसिम वॉज माई फेवरेट, मनवीर वॉज माई फेवरेट, गौतम वॉज माई फेवरेट। ये सीजन मैंने अच्छे से बैठ के देखे, हालांकि मैंने और भी देखा है, बट जितना ये अच्छे से बैठ के देखा है ना, बाकी कोई और सीजन मैंने देखा नहीं। ठीक है, एंड लेट मी नो ऑल्सो आपका कौन सा बेस्ट सीजन रहा अभी तक और कौन सा पसंद रहा। एंड बस इतना ही, क्योंकि वही मुझे ना सोच सोच के सब यूज़ करने पड़ रहे, क्योंकि फालतू में कॉपीराइट स्ट्राइक मुझे चाहिए नहीं अपने चैनल और वीडियो पे, सो दैट्स पर। बट ठीक है, गिव मी सम मोर टाइम, लेट मी यू नो, थोड़ा और मुझे इस यूट्यूब के खेल के अंदर खेलने दो, तो मुझे पता चल जाएगा, फिर मैं धीरे धीरे अपना स्टार्ट करूँगा। सो टिल दैट आई विल नॉट, प्लीज़ यू मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज़ शो सम सपोर्ट, बिकॉज 200 के बहुत क्लोज है भी, सो प्लीज़ बाय।